और गुरु महाराज जी को एक ऐसी दिव्य गाय मिली जिसको अपन कामधेनु कहते हैं, वो आज भी तारात्रा मठ में विद्यमान है। और आप लोगों से मैं विशेष रूप से बताना चाहता हूँ कि उसकी जो दो मुख्य खासियत हैं, वो दो विशेषताएं हैं, उनमें से एक तो साल में, वर्ष भर में वो तीन रंग बदलती है, सफ़ेद से काली बनेगी, काली से पीली बनेगी। 4 महीने बाद आप आओगे तो आपको वो गाय कलर भिन्न कलर में लगेगी, आप कह नहीं सकते थे गाय वही है या दूसरी है। दूसरी उसकी खासियत है कि वो ब्याई कभी नहीं है, जब से गुरु महाराज यहाँ मठ में लेके आए हैं तब से लेकर के आज दिन तक वो लगातार दोनों समय दूध देती है, और उसका शिवजी के मंदिर में और अन्य समाधियों पर अभिषेक होता है, फिर प्रसाद रूपी में बांटते हैं। दूध देना बिना ब्याय ये एक अलौकिक, और साथ ही साथ दूध देने के बाद में दूसरे जो इसका अलौकिक रूप है वो साल में तीन रंग कर देती है, ये उससे भी ज़्यादा मुझे लगता है ये कोई दिव्य गुण है। तो प्रकृति भगवान की कुदरत को और कामधेनु का स्वरूप इस गौ माता को दर्शन करने के लिए हम सब लोग दर्शन करते हैं, भगत लोग भी दर्शन करते हैं। आज भी वहाँ मठ में हमारी पूजनीय गाय विद्यमान है। श्री मोहन गौशाला दाता की स्थापना, जब राजस्थान, पश्चिम राजस्थान में भयंकर अकाल पड़ा था और गायें चारों तरफ से गायों के कंकाल ही कंकाल पड़े थे, उस समय गुरु महाराज जी ने आदेश दिया हमें कि आप गौ रक्षा के लिए आगे आकर के काम करें, और हम भक्त भाविकों के साथ में हमने वहाँ एक ज़मीन लेकर के 200 बीघा और शिविर शुरू किया, जिसमें तकरीबन 100-150 किलोमीटर दूर के गांवों के लोग हैं। वहाँ 5,000 से 7,000 गौएं रखी गई थी, और फिर बच्चे भी वहाँ, उनकी शिक्षा की व्यवस्था की, भोजन की व्यवस्था की। अकाल भयंकर अकाल था, तो गायों की जो शिविर समाप्त होने के बाद जो गौवंश बच गया था, गुरुजी ने कहा इनको यहीं रख करके सेवा करो। ऐसे मोहन गौशाला की स्थापना हुई, और आज उसको 15 से 20 साल लगभग हो गया समय, अनवरत गौ सेवा हो रही है। और यहाँ पर मुख्य काम जो हुआ है, दो काम है, एक संरक्षण और एक संवर्धन। जो विकलांग, लूली, लंगड़ी, अंधी गाय हैं उनका संरक्षण किया जाता है, उनकी सेवा की जाती है। और दूसरा जो है, हमारी पश्चिमी राजस्थान की ही नहीं, संपूर्ण भारत की सबसे अच्छी नस्लों में से जो थारपारकर नस्ल मानी जाती है, उसका संवर्धन किया जाता है। और आज हमें बहुत खुशी है कि गौशाला परिसर के अंदर थारपारकर नस्ल की अच्छी से अच्छी गौ माँ और बैल तैयार किए हैं। यहाँ से बहुत सारे लोग दर्शन करने भी आते हैं, देख करके हमें खुश होकर के कहते हैं कि आपने ये काम जो किया संवर्धन का, ये अतुल्य है, अकल्पनीय है, जो कि एक जाती हुई नस्ल को बचाने के लिए श्री मोहन गौशाला ने अच्छा कदम उठाया। आज हमारे पास बहुत सारी गौ वंश जो थारपारकर का है, और हमें बाहर से भी लोग मांगते हैं कि हमें दें, अभी हम उसका और संवर्धन करेंगे, और उसके बाद में हम गाँवों में जो सांड बैल है वो किसानों को देते हैं, जिससे किसान के घर अच्छी गाय थारपारकर पैदा हो, और किसान जितनी अच्छी गाय की सेवा करेगा इतना शायद ही संस्था कर पाएगी। तो किसान के घर गाय खुश, और किसान के घर गाय है तो किसान भी खुश सुखी रहेगा। इसी के नाते मोहन गौशाला थारपारकर नस्ल का संवर्धन कर रहा है, और लूली, लंगड़ी, अंधी गायों का संरक्षण भी कर रहा है। 200 बीघे के अंदर जमीन लेकर के व्यवस्थित गौशाला बना करके वहाँ ये प्रकल्प शुरू किया है। हमारे वहाँ बहुत कर्मठ कार्यकर्ता, सेवाभावी, कई सेवाभावी वहाँ जुड़े हुए हैं। वो लोग उन सेवा के नाम से, सेवा के काम को करके अपने जीवन को सफल कर रहे हैं, और साथ ही साथ गौ माता के लिए अपने जीवन को समर्पित किए हुए हैं। शिक्षा को लेकर के भी गुरु महाराज जी और हमारे मठ का ध्येय है कि हम लोग शिक्षा और संस्कार दोनों साथ साथ दें। तो इस नाते हमारा जो एक मठ की शाखा बाड़मेर में प्रताप जी की प्रोल में है, तो वहाँ गुरु महाराज जी ने स्कूल शुरू करवाया। मैं गुरु महाराज जी के आशीर्वाद लेकर के हमने शुरुआत करी थी, उस समय आज से 15 साल पहले पहली कक्षा से शुरू की, आज 12वीं कक्षा तक का विद्यालय, और बाड़मेर शहर के अच्छे विद्यालय में से एक विद्यालय गुरु महाराज जी की कृपा से शुरू किया हुआ है। साथ ही साथ हमने जीआर खैरनार साहब के प्रेम, सहयोग और अपनत्व के साथ मिलकर के सीमांत क्षेत्र बॉर्डर पर भी गुरु महाराज जी की प्रेरणा से ऐसी विषम परिस्थितियों में भी एकल विद्यालय कुछ प्रारंभ किए थे, काफ़ी साल तक चले, फिर कुछ व्यवस्थाएं हम नहीं कर पाए, इस समय वो नहीं चल पा रहे हैं, परंतु जिले भर में 8 विद्यालय और 13 एकल विद्यालय गुरु महाराज जी की प्रेरणा से शुरू किए थे। विद्यालय शुरू करके भक्तों को उनको समर्पित कर प्रेरित किया कि आप यहाँ विद्यालय चलाएं,
दो मठों में, तो हमारे जो मठ की शाखाएं हैं सियाणी मठ और तारात्रा मठ की प्रताप जी की प्रोल, दोनों जगह हम विद्यालय आज भी चला रहे हैं। तो गुरुजी की प्रेरणा, हमारे मठ का ध्येय शिक्षा और संस्कार, इस नाते हम मठों में शिक्षा के लिए विद्यालय स्थापित करना, गुरुकुल स्थापित करना, छात्रालय स्थापित करने का जो ध्येय है, उनमें से हम क्रम ये भी चालू कर रखे हुए हैं, विद्यालय भी संचालित किए हुए हैं।